वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो अब समस्या ये बनी हुई है, कितने लोगों की लिस्ट जारी होगी, कितने लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, बहुत सारे मुद्दों पर और बहुत सारे यूट्यूबर आपको कर रहे हैं गुमराह। देखो, सिंपल सी बात बताऊँगा, और वो गुमराह क्यों कर रहे हैं उसकी मैं कारण बता दूँ। बोल रहे हैं कि सारे बच्चे लिए जाएंगे, क्या होगा? देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, अब पीटी कितने फॉर्म भरे जाएंगे, है ना? देखिए, इसमें से दोस्तों एएनएम वगैरह वाले बच्चे उधर चले गए, लड़कियां उधर चली गई, बहुत से लोग नहीं भरेंगे उधर वाले, ठीक है। कुछ बच्चों का भी एसआई में सिलेक्शन हो गया, कई सारे रिजल्ट भी आए बीच, तो वो बच्चे अब नहीं भरने वाले। उन्हें भी पता है यहाँ फर्जी में कोई काम नहीं, तो वो सारे तो बच्चे काफ़ी हटेंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं हटेंगे। अगर एक शिक्षक भर्ती आ जाती तो और फायदा ही था, कोई घाटा नहीं था, ठीक है। शिक्षक भर्ती आ जाती तो बच्चे उधर गुमराह हो जाते और उधर बिजी हो जाते, है ना। तो कई सारे बच्चे नहीं होंगे। उसके बाद अभी ये फॉर्म भराया जा रहा 25-25 रुपए का, ठीक है। उसके बाद आप लोग किए जाएंगे शॉर्ट लिस्ट, इस बात को आप अच्छे समझ लें। अब शॉर्ट लिस्ट का इनका क्या नया नियम है, अभी तक पता नहीं क्या कर रहे थे, ये तो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कहीं ना कहीं जो मुझे समझ में आ रहा है कि चुनाव की वजह से सब खेल किया जा रहा है। देखो, समस्या आप लोग भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ इन बातों को। सभी लोगों के लेने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। आप शॉर्ट लिस्ट कर देना था, ना तो आपने एएनएम में शॉर्ट लिस्ट किया, ना यहाँ किया, ठीक है। जिस दिन वोट हो जाएंगे उसके बाद आप फिर करेंगे। एक तो यूपी ट्रिपल एससी जो अपना आयोग है, ठीक है, इतना लेट लतीफ़ी वाला यार आयोग है, कोई इसको सही नहीं कर पा रहा। 5-5 साल लगा देता बताओ भर्ती कराने में। जूनियर यानी कितनी भर्तियां फंसी हैं, वीडियो के एग्जाम अब दिखा रहे हैं मार्च में होगा, अब देखो होता भी है कि नहीं, क्या होता कुछ निश्चित नहीं। और ये वीडियो का एग्जाम केवल उन्हीं का होगा जिनका फॉर्म भरा था उस टाइम, ठीक है। इस बात को आप ऐसे नए कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे। अब दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल में अपने माँ बाप का सपना और अपना खुद का सपना पूरा करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये संपूर्ण गाइड आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी और दूसरों से आपको अलग भी बनाएगी। हिंदी, जिसमें आपको हिंदी मिलेगा, गणित मिलेगा, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज, समसामयिकी का पूरा पाठ्यक्रम होगा, थ्योरी होगी और 2 सॉल्ट पेपर्स भी होंगे, 2000+ क्वेश्चंस भी होगा। और इनका जो पैटर्न है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, सब कुछ दे रखा भाई साहब इन डिटेल, और प्रैक्टिस भी कराई, और उसके बाद उसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ ही देखिए, सब कुछ बताया भी है कि किसका वर्ड का क्या रिलेशन है, और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी रहा। और इनकी बुक अलग अलग आपको मिल सकती है, जो चक्षु की ही है, ग्राम समाज की प्रैक्टिस सेट 2500+ क्वेश्चन का, और लेखपाल की गाइड तो है ही। तो आप लोग अपने नजदीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो अगर ओपिनियन समझे, 50% के आसपास ले सकते हैं, लेकिन चुनाव बाद क्या पता, फिर तो इनका कोई दबाव तो रहेगा नहीं। अब बात को सुनना, पॉइंट को समझना, उसके बाद चीजें क्लियर करना। तो इनके ऊपर कोई दबाव तैयार दोस्त रहेगा नहीं, है ना। जब दबाव नहीं रहेगा तो ये क्या पता और बढ़ा दें, 70 कर दें, 80 कर दें, 65 कर दें, लेकिन एक ये जायज रखें कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ठीक है। लेकिन अगर ये पहले करते तो ये चुनाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ले लेते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने सबको बुला लिया। अब ये किस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये समझ आ पाना या समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और जितने यूट्यूबर बहुत बड़े जो है ज्ञानी बन रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग के, वो फर्जी की बातें बता रहे हैं कि 50% ये 40% ऑफिशियल न्यूज, कहीं कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ठीक है, ना किसी को कुछ पता है कि अंदर का डेटा क्या है। बस इतना है कि अभी ये है, और इसके बाद जब शॉर्ट लिस्ट किया फिर फॉर्म भराया जाएगा। अब भाई, जब फॉर्म भराया जाएगा, आप मुझे बताओ, 1 महीने 1 मंथ का समय मेरे दोस्त फॉर्म भरने में लगेगा उसका कि नहीं लगेगा? अभी 4 फरवरी तक तो इसका ही संशोधन है, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट हमें लग रहा है मार्च में किए गए, कोरोना की भी लहर है, फिर उसके बाद 1 महीने फॉर्म भरने में लगेगा, तब एग्जाम होगा, है ना। तो एग्जाम आप सोचे कि अभी 1-2 महीने में हो, क्या आपको ज्वाइनिंग मिली जा रही, असंभव ये सारी बातें। अब भी अगर आप उत्तर प्रदेश में रहकर नहीं समझ पा रहे हैं तो बड़ा आप भोले, ठीक है। इतने दिनों से अगर कोई बच्चा नया आए तो समझ में आता है, लेकिन आप इतने दिनों से जुड़े हुए हैं आयोग से भी, कोई भी वैकेंसी हो रहा है के ले लो, वो भी लटकाए हुए हैं ये लोग, सब बिल्कुल फंसा के रखा चक्रव्यूह टाइप का, बिल्कुल क्लियर होने में चुनाव बाद काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें
फॉर्म 2% ये सर हम भरे कि ना भरे। बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हमारा परसेंटाइल इतना है, फॉर्म भरे कि ना भरे। फॉर्म सभी लोग यार भर दो भाई, सभी लोग भर दो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी लोग फॉर्म भरो, चाहे माइनस में परसेंटाइल हो, ठीक है। क्या जा रहा भाई, 25 रुपये ही तो है, ठीक है। क्या करे क्या ना करे किसी को कुछ नहीं पता, ये सच्चाई है भाई। तो सभी लोग फॉर्म भरो, ठीक। जिन्हें लेखपाल बनना है या उनके उधर नंबर कम रह गए, इधर कुछ हो सकता है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें, जिससे आपका ही उद्धार हो, ठीक है। क्या पता कुछ नया स्कीम आ जाए, क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए फॉर्म तो भर ही दो, और कुछ बहुत बड़ा शुल्क नहीं, और खुद से भरो मेरे दोस्त, खुद से भर दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत छोटा फॉर्म वीडियो डला हुआ है, उससे आप देख लें, भर दें, फोटो सिग्नेचर वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हमें लगता है कि आप लोगों के तो सारे डाउट्स क्लियर हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई करें और पढ़ाई से ही जुड़े रहें। अब बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा समझाए, लेकिन सुनोगे तो समझोगे चीज़ों को। अगर समझ पा रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ पर मैं कुछ आपको झूठे सपने नहीं दिखाना चाहता हूँ, यूट्यूबर के तरीके आगे के आपको झूठे सपने दिखाऊँ। जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले, तो उनके सपने वैसे भी टूट गए हैं कल, तो इसलिए सपने ना देखो। मैं 1 अप्रैल को नियुक्ति पत्र मिल रहा था कोई इंस्टीट्यूट वाला, है ना, तो नहीं मिला। ये सब सब इन्हें कुछ नहीं पता रहता, ठीक है। ये सब अपनी कहीं ना कहीं जो है वो रहता राजनीति। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ्स।